हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। आज की क्लास इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप सीखने वाले हैं कि ईसॉप का टैक्सेशन कैसे होता है। अगर आपको एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन के तहत कंपनी के शेयर्स मिले हैं और आप इन्हें सेल करते हैं, गिफ्ट करते हैं, तो किस तरीके से कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन होगी, राइट। लेकिन अगर आप सेल नहीं भी करते हैं, राइट, तो भी क्या टैक्सेशन होगा। आपको ईसॉप मिला है, इतना लंबा चौड़ा शेयर मिला है, इतनी हाई वैल्यू का शेयर मिला हुआ है कंपनी से, तो क्या आपके हाथ में कुछ टैक्सेशन होगा। ये सारी बात हम सीखने वाले हैं, राइट। एक बात जो हमें पहले से पता है वो हम रिकॉल करा दें आपको, कि आपने सीख रखा है ये बात कि इन केस आप ईसॉप में मिले हुए शेयर्स को अगर किसी को गिफ्ट दे देते हैं तो इसे भी ट्रांसफर माना जाएगा और कैपिटल गेन लगेगा। जिस दिन आप गिफ्ट करते हैं उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू को ही सेल कंसिडरेशन मान लिया जाता है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं ईसॉप की कहानी। बट बिफोर वी गेट मोर इनटू द टैक्सेशन पार्ट ऑफ ईसॉप, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ईसॉप है क्या चीज। एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। पता है किसी जमाने में ईसॉप को एज एन इंकरेजमेंट टूल यूज किया जाता था। मतलब अगर कंपनी में एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है ना, तो कंपनी कहती थी चलिए हम आपको ईसॉप देते हैं, राइट, आपको शेयर्स देते हैं कंपनी के एक बहुत ही कम रेट पे, या फिर इवन फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको कंपनी के शेयर्स देते हैं। तो दैट इज व्हाट ईसॉप इज। मैं आपको बताऊं कि 1980 के आसपास इन्फोर्सिस के फाउंडर नारायण मूर्ति जी ने भी ईसॉप लाया था अपनी कंपनी में, राइट। और उन्होंने ईसॉप सिर्फ अपने वाइट कॉलर एम्प्लॉयज को ही नहीं, इनफैक्ट ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज को भी दिया था, जिसमें उन्होंने कंपनी के इलेक्ट्रीशियन, कंपनी का जो प्लम्बर है, ड्राइवर है, उन सबको भी दिया था, राइट। और ईयर 2000 में मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में नारायण मूर्ति जी का एक इंटरव्यू पढ़ा था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हमारे कंपनी में 2000 से ज़्यादा मिलियनेयर हैं, ठीक है, जो ब्लू कॉलर इंप्लॉयज हैं बेसिकली, एंड दे आर मिलियनेयर्स। यानी उन शेयर्स जो उनको 1980s के आसपास में मिले थे, वो आज टुडे इट्स वर्थ सेवरल क्रोर्स ऑफ रुपीस, आज वो कई करोड़ रुपए का है। तो उनके जो प्लम्बर हैं, डायरेक्टर्स हैं, दे आर मिलियनेयर्स, राइट। तो दिस इज हाउ वन क्रिएट्स वेल्थ थ्रू ईसॉप। लेकिन आज के जमाने में ना ईसॉप का मायना ही बदल गया है। पता है क्या होता है, आज एक कंपनी ईसॉप को हायरिंग टूल की तरह यूज करती है। मतलब उसे लगता है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो तो करते ही रहेंगे, जो अच्छा नहीं कर रहे हैं बल्कि उनको मोटिवेट करो और उनको ऑफर करो कि हम आपको ईसॉप दे देंगे ऐसा करने पे। और ये बहुत जबरदस्त इवन हायरिंग टूल भी बन गया है। कंपनी आपको कहती है कि आप कंपनी ज्वाइन कीजिए, 3 साल तक आप कंपनी में रह जाते हो तो हम आपको इतने शेयर्स दे देंगे कंपनी के। एक्चुअली आप लोगों को लगता है ना कि आप इतना पढ़ लिख लिए हो, जिस कंपनी में जाओगे उस कंपनी का तो उद्धार हो जाएगा एकदम, उसकी तो किस्मत ही पलट के रख दोगे तुम। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप उनके चवन्नी काम लायक भी नहीं होते हो इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी। पता है क्या होता है, आप जब उस कंपनी को ज्वाइन करते हो तो 1-2 महीने 3 महीने एट टाइम्स लग जाते हैं आपको ट्रेन करने में, अपने लायक काम, मतलब अपने योग्य बनाने के लिए, मतलब उस कंपनी के काम लायक बनाने के लिए कंपनी 2-3 महीने आप पे लगा देती है। लेकिन आप क्या करते हो, आप कंपनी ज्वाइन करते हो और इमीडिएटली 1-2 महीने बाद 3 महीने बाद आप क्या करते हो, स्विच कर लेते हो। जब तक आप रेडी होते हो, ट्रेन होते हो, उस कंपनी के काम लायक बनते हो, तब तक आप स्विच कर लेते हो। तो रिटेंशन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में, और इसलिए कंपनी आपको रिटेन करने के लिए क्या ऑफर करती है, ईसॉप ऑफर करती है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, मैं आपको दिखाता हूं। ये मैंने 5 ईयर्स ड्रॉ किए हैं,
ठीक है, 5 सालों को 5 डिफरेंट कलर से मैं कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। ये पहला साल, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, एक और कलर चाहिए मुझे। ठीक है, आई कैन मेक इट दिस। ठीक है, ये 5 साल हो गए। अब कंपनी यहां पे मान लीजिए कहती है अपने एम्प्लॉयज को, मैंने आपको ऑप्शन दिया, ऑप्शन ऑफ 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10। कंपनी कहती है कि हम आपको ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन मतलब यही एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP देते हैं। ठीक है, 100 शेयर देते हैं ₹10 के रेट से। और कंपनी जिस दिन ऑप्शन देती है, पता है उस दिन मार्केट प्राइस क्या चल रही थी? उस दिन मार्केट प्राइस चल रही थी ₹100। कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कितने में बोल रही है देंगे? ₹10 के रेट में। लेकिन अभी नहीं देंगे, अगर आप कंपनी में 3 साल रह जाते हो तब देंगे। ऑब्वियसली ये नंबर ऑफ शेयर्स भी काफी हाई होते हैं और ये प्राइस का डिफरेंस भी बहुत हाई होता है। कंपनी के शेयर की प्राइस ₹1,000 होती है, ₹2,000 होती है, कंपनी ₹10 में दे रही होती है, मात्र फेस वैल्यू पे दे रही होती है। ठीक है, मैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए छोटी छोटी फिगर्स ले रहा हूं। तो कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को बोला कि हम तुमको 100 शेयर दे देंगे ₹10 के रेट पे। जिस दिन बोला उस दिन मार्केट प्राइस ₹100 चल रही थी, लेकिन कंडीशन लगाई। कंडीशन क्या? कि आप कंपनी में अगर 3 साल रह जाती हो तब। यानी ऑप्शन तो मिल गया 100 शेयर खरीदने का, लेकिन ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकता एम्प्लॉय। ऑप्शन एम्प्लॉय एक्सरसाइज कब कर सकता है? 3 साल बाद। तो इस 3 साल के पीरियड को कहा जाता है वेस्टिंग पीरियड। ठीक है, जितना समय आपको रुकना पड़ेगा ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए, उसे कहा जाएगा वेस्टिंग पीरियड। याद रहेगा, जितने साल रुकना पड़ता है ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है, मतलब ऑप्शन को मिलने के लिए जितना समय लगेगा उसे कहते हैं हम पीरियड ऑफ वेस्टिंग। तो 3 ईयर्स वुड बी योर पीरियड ऑफ वेस्टिंग। जैसा कि मेरे एग्जांपल में 3 साल है। क्या जरूरी है 3 साल ही होना चाहिए? नहीं, कंपनी कह सकती है हम साल भर बाद आपको दे देंगे, तो 1 साल वेस्टिंग पीरियड होगा। अगर कंपनी कहती है भाई हम आपको 2 साल में देंगे, तो 2 साल वेस्टिंग पीरियड होगा। 3 साल कहती है तो 3 साल वेस्टिंग पीरियड होगा। 4 साल, 5 साल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, जिस दिन मेरे पास अधिकार आ जाता है, 3 साल बीतते ही जिस दिन मेरे पास अधिकार आ जा सकता है कि हम ये शेयर्स खरीद सकते हैं, उसे कहा जाता है डेट ऑफ वेस्टिंग। तो डेट ऑफ वेस्टिंग कौन सा दिन हुआ? ये वाला। एग्जैक्टली 3 साल बाद जिस दिन आपके पास ये अधिकार आया, ये कहलाएगा डेट ऑफ वेस्टिंग। एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनिए। पीरियड ऑफ वेस्टिंग 3 साल, जिस दिन अधिकार आया उस दिन डेट ऑफ वेस्टिंग। पता है डेट ऑफ वेस्टिंग के दिन मार्केट प्राइस क्या चल रही थी शेयर की? ₹400 चल रही थी। कितने में मिलेगा शेयर? ₹10 का। ठीक है, अच्छा, जिस दिन आपके पास अधिकार आता है क्या उसी दिन खरीदना होगा? मान लो मेरे पास उस दिन पैसा नहीं है, 100 शेयर का ₹10 के रेट से खरीदने के लिए भी तो ₹1,000 चाहिए, मेरे पास नहीं है उस दिन पैसा। तो क्या जिस चीज के लिए हम 3 साल इंतजार किए थे वो खत्म हो जाएगी? कि मेरे पास ये अधिकार कुछ दिन रहेगा? रहेगा। जितना समय आपके पास ये अधिकार रहता है उसे कहा जाता है एक्सरसाइज पीरियड। याद रहेगा आपको, जितना समय आपके पास ये अधिकार एक्सरसाइज करने के लिए रहता है उसे कहा जाता है एक्सरसाइज पीरियड। ठीक है, सो हम मान लेते हैं कि मुझे एक्सरसाइज करने के लिए 6 महीना मिला, तो 6 मंथ वुड बी माई एक्सरसाइज पीरियड। इतने पीरियड को 6 मंथ, ये हो गया मेरा एक्सरसाइज पीरियड। ठीक है, तो 6 महीने का अधिकार मिला है, तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको खरीदना पड़ेगा। अब उस पीरियड में जिस भी दिन आप खरीद लेते हो उसे कहा जाता है एक्सरसाइज पीरियड। अब हम मान लेते हैं कि आपने खरीदा इस दिन, भाई जो एक्सरसाइज पीरियड है उसमें बीच में कभी ना कभी खरीदना पड़ेगा, तो इसे कहा जाता है डेट ऑफ एक्सरसाइज। और जिस दिन डेट ऑफ एक्सरसाइज था उस दिन मार्केट प्राइस हो गई ₹550।
ठीक है। अब कंपनी जब आप एक्सरसाइज करते हो तो कंपनी नेक्स्ट काम है, कंपनी आपको अलॉट कर देती है, तो जिस दिन अलॉट करती है शेयर्स उसको कहा जाता है डेट ऑफ अलॉटमेंट। लेट्स एज्यूम दिस इज द डेट ऑफ अलॉटमेंट, इस दिन मार्केट प्राइस है मान लीजिए 700 रुपया, और बढ़िया मजे की बात, इस दिन मार्केट प्राइस है 700 रुपया, और फिर उसके बाद मान लेते हैं यहां पे आपने शेयर को सेल कर दिया, सेल ऑब्लिक गिफ्ट कुछ भी कर दिया, सेल ऑब्लिक गिफ्ट ई शॉप, ठीक है, और इस दिन मार्केट प्राइस है 900 रुपया। तो आपने कुछ चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, ऐसा थोड़ी ना कि आप पहली बार सुन रहे हो ये सब, बहुत ध्यान से सुन रहे हो, ठीक है। आपको ये बात भी पता है कि जो यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस है, दिस डिफरेंस, और यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस कौन सी इनकम होती है, दिस डिफरेंस इज योर सैलरी, मतलब 550 रुपए की चीज आपको 10 रुपए में मिली है, पर शेयर का प्रॉफिट कितना 540 रुपया, ठीक है। अगर आपको इंप्लॉयर कोई भी चीज दे दे, कोई भी बेनिफिट दे दे, एनी बेनिफिट फ्रॉम इंप्लॉयर इज परक्यूजेट, तो वो सैलरी की इनकम होती है। मुझे 10 रुपया का शेयर, 550 रुपए का शेयर 10 रुपए में मिला, ठीक है। जिस दिन आप एक्सरसाइज करते हो ना उस दिन की प्राइस को लिया जाता है, आपने एक्सरसाइज जिस दिन किया 550 का शेयर था ना, आपने उसी दिन तो 10 रुपए के हिसाब से पेमेंट की कंपनी को, उस जिस दिन आपने एक्सरसाइज किया वो कौन सी डेट होती है, जिस दिन आप पेमेंट करते हो बेसिकली कंपनी को, कहते हो ये लो पैसे दो शेयर, तो 550 रुपए की चीज तुमको 10 रुपए में हाथ लगी है उस दिन, 540 रुपए पर शेयर का फायदा है। तो सैलरी की इनकम बनती है 540 रुपया इंटू 100 शेयर, या फिर हम पूरा प्रॉपर लिख दे 540 भी कैसे आया, 100 शेयर पे आपको प्रॉफिट हुआ 550 माइनस 10 रुपया, 550 माइनस 10 रुपया 540 इंटू 10, 540 इंटू 10 100, 540 इंटू 100 100 शेयर, तो 54,000 रुपया का आपको सैलरी की इनकम हो गई। अब यही 550 रुपए की चीज़ आप 900 रुपए में बेच दिए या फिर उस दिन गिफ्ट कर दिए, अगर गिफ्ट भी करोगे तो जो गिफ्ट करने वाले दिन मार्केट प्राइस होती है उसको सेल कंसिडरेशन मान लिया जाता है, तो ये होती है कैपिटल गेन की इनकम। सेल कंसिडरेशन यहाँ पे कितना, 900 इंटू 100 90,000 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना, अब यही एक्सरसाइज वाली प्राइस को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाता है 55,000, तो कितना डिफरेंस हो गया 35,000 रुपया कैपिटल गेन की इनकम में, अगर 12 महीने से जल्दी बेचे हो। अच्छा, अब ये कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, इसके लिए होल्डिंग पीरियड क्या ली जाती है सब सीखिए एक एक करके, दिस इज द होल्डिंग पीरियड, डेट ऑफ अलॉटमेंट से लेके डेट ऑफ सेल, दिस इज योर होल्डिंग पीरियड, इसके बेसिस पे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म डिसाइड होगा, एंड अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करेंगे कि भाई इंडेक्सेशन करना है कि नहीं, इफ इट इज लॉन्ग टर्म देन यू विल गो फॉर इंडेक्सेशन ऑफ द कॉस्ट, अदरवाइज यू वोंट डू इंडेक्सेशन ऑफ द कॉस्ट, ठीक है। अब ये सैलरी की इनकम टैक्सेबल कब होती है और ये कैपिटल गेन की इनकम टैक्सेबल कब होती है, जल्दी बताइए, सैलरी की इनकम टैक्सेबल कब होती है, टैक्सेबल होती है इन द ईयर ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है, टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ अलॉटमेंट। चलिए आइए अब इस बात को भी लिखिए, ये 54,000 रुपया टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ अलॉटमेंट, एंड लेट मी टेल यू कि यू शुड नॉट फील एनीथिंग सरप्राइजिंग और एनीथिंग न्यू, कि आपने ये सब पढ़ा हुआ है, हाँ भाई सैलरी में पढ़ रखे हो ये तो आप। नाउ कमिंग टू कैपिटल गेन, ये कैपिटल गेन कब टैक्सेबल होता है, ये कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है, टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ पेमेंट, टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ सेल और गिफ्ट, टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ सेल और गिफ्ट, ठीक है।
देखिए, अब जब इतनी बात हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये बात बड़ी लॉजिकल लगती है कि भाई कैपिटल गेन का टैक्सेबल कब हो रहा है, जब हमको सेल किए हैं या गिफ्ट किए हैं, वट एवर, ठीक है। तो जब हम सेल किए हैं तो ऑब्वियसली मेरे पास पैसे आ गए हैं, हम कैपिटल गेन टैक्स पे कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, क्या कोई शॉप गिफ्ट में देता है किसी को? आंसर इज नो। गवर्नमेंट समझिए कि ये टैक्स प्लानिंग है। जनरली हम क्या करते हैं, जब हमें शॉप के जरिए शेयर्स मिले हैं तो मुझे अगर बेचना है ना तो हम खुद नहीं बेचते, हम सोचते हैं, काम करते हैं, अपने किसी ऐसे बंदे के हाथ में इसको गिफ्ट दे देते हैं जिससे फर्दर बिकवा देंगे अब शेयर, ताकि जो भी बेचने पे टैक्स आए वो किसके हाथ में आ जाए, जिसको मैंने गिफ्ट दिया है। तो सरकार तो समझ ही रही है कि तुम किसी को अगर गिफ्ट दे रहे हो तो अल्टीमेटली उससे बिकवाने के लिए कर रहे होगे, क्योंकि शेयर्स कोई गिफ्ट में थोड़ी ना देता है। ये बात मैंने पहले भी समझाई है कि जब भी आप किसी को गिफ्ट देते हो, ठीक है, तो क्या देते हो? हम तो यही जानते हैं, अगर हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो चॉकलेट दे देंगे, रोज दे देंगे, और क्या दे दोगे? आप कपड़े दे सकते हो किसी को गिफ्ट, ड्रेस दे दोगे गिफ्ट, ठीक है, और ज्यादा पैसे मोबाइल दे दोगे, और ज्यादा पैसे कार दे दोगे, शेयर कौन गिफ्ट में देता है? ठीक है, तो गवर्नमेंट भी समझिए कि यहां पे टैक्स प्लानिंग हो रही है, जनरली उसी के हाथ से बिकवाना है। तो अगर ये टैक्स प्लानिंग वाला केस है तो गवर्नमेंट तो भाई आपसे टैक्स लेगी, तो गिफ्ट कर रहे हो आप, सेल कर रहे हो, आपसे टैक्स लिया जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, जिस दिन मैंने एक्सरसाइज किया उस दिन मेरे ऊपर इनकम आ गई सैलरी की 54,000 रुपए, ये तो मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया था ना। मैं आपको एक्चुअल एग्जांपल बताऊं क्या होता है, एक इंप्लॉई जिसकी सैलरी 5 लाख 6 लाख रुपए होती है ना, जब ये परक्यूजेट की वैल्यूएशन उसके हाथ में आती है कि जो शॉप के जरिए शेयर्स मिलते हैं तो उसकी जो वैल्यू हो जाती है वो लगभग हो जाती है, मान लीजिए 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, एट टाइम्स 5 करोड़ रुपए। अब मान लीजिए एक इंप्लॉय जिसकी तनख्वाह 6 लाख रुपए है, उसकी परक्यूजिट ईशॉप के जरिए जो परक्यूजिट की वैल्यूएशन आई वो 5 करोड़ रुपए आ गई, और 30% का उस पर टैक्स लगेगा, 1.5 करोड़ रुपए। वो कमाता है 6 लाख रुपए, 1.5 करोड़ रुपए का टैक्स देगा कहां से? तो गवर्नमेंट ने अब यहां पर क्या किया, बोला टैक्स पोस्टपोनमेंट, यहां पर बोला टैक्स पोस्टपोनमेंट। क्या ये भी बात आप पढ़ चुके हो? हाँ, बता तो हम ये भी चुके हैं आपको कि टैक्स पोस्टपोन हो जाता है, आपको टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है, टैक्सेबल होगा इन द ईयर ऑफ अलॉटमेंट, इनकम आपकी अलॉटमेंट वाले में जुड़ जाएगी, जिस साल अलॉट हुआ है उसी साल की इनकम में ये जुड़ जाएगा, लेकिन आपका टैक्स पोस्टपोन कर दिया जाएगा, टैक्स नहीं देना है। इनकम पोस्टपोन नहीं हो रही है, ध्यान दीजिएगा, इनकम पोस्टपोन नहीं हो रही है, इनकम तो ईयर ऑफ अलॉटमेंट में जुड़ गई लेकिन उसका टैक्स नहीं देना है, ठीक है। आपको यहां लिख देते, इनकम इज नॉट पोस्टपोन्ड, और ये सिर्फ और सिर्फ किसके केस में होता है, ओनली इन द केस ऑफ स्टार्टअप, दिस टैक्स पोस्टपोनमेंट इज ओनली इन केस ऑफ स्टार्टअप्स, क्योंकि वहीं पे ऐसा होता है। जनरली स्टार्टअप क्या करते हैं, देखिए भाई पैसे तो है नहीं, एक नई कंपनी हम बनाते हैं, खूब बड़ा करने का विजन है, हम अच्छे लोगों को लेके आना चाहते हैं अपने साथ काम करने के लिए, तो हम सैलरी बहुत छोटी सी ऑफर करते हैं, क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। लेकिन उनका कैलिबर बहुत हाई है, जो 5 लाख रुपए में इंप्लॉई लाए वो 5 लाख लायक थोड़ी ना है, अरे वो तो 50 लाख रुपए महीना कमाने लायक है, 50 लाख रुपए मान लीजिए साल का कमाने लायक, और हम 5 लाख रुपए साल पे लेके आए हैं, तो हम उसको अट्रैक्ट कैसे करते हैं? शॉप के जरिए तो अट्रैक्ट करते हैं कि भाई कंपनी का ये विजन है, इतना कुछ कर ले जाएंगे, 5 साल में तुम्हारे पास इतने रुपए की वेल्थ क्रिएट हो जाएगी, कंपनी के इतने रुपए के शेयर्स हो जाएंगे, दिस इज व्हाट इज द हायरिंग टूल, ठीक है, इन केस ऑफ स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप के केस में ईशॉप वाला कंपोनेंट बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू सैलरी। एक मेच्योर कंपनी में इतना बड़ा कंपोनेंट नहीं होगा, एक मेच्योर कंपनी में कोई 6 लाख 8 लाख रुपया कमा रहा होगा, 10 लाख रुपया कमा रहा होगा, तो उसको ईशॉप भी 10-15-20 लाख 25 लाख रुपए का मिल रहा होगा, कोई बहुत बड़ा ईशॉप नहीं मिल रहा होगा उसको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जनरली क्या होता है कि एक मेच्योर कंपनी में किसी को अगर ईशॉप मिला है तो उसका टैक्स पे करने लायक वो होता है, इसलिए ये पोस्टपोनमेंट वाला केस कहां पे लाया गया, ओनली फॉर स्टार्टअप्स, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पोस्टपोनमेंट टैक्स का हो रहा है ना कि इनकम का हो रहा है। अब ये कितना पोस्टपोन हो जाता है, टैक्स पेबल इन 5 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑप्शन एक्सरसाइज्ड।
ठीक है ठीक है। और 5 साल तक का आपको समय मिल जाता है टैक्स पे करने का। भाई 5 साल में आप और कमा लोगे तो टैक्स पे कर लोगे। 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज। तो जिस साल आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया है उस साल के अंत से 5 साल तक का आपको और समय मिल जाता है। टैक्सेबल कब होता है? इन द ईयर ऑफ अलॉटमेंट। समय कितना मिल जाता है टैक्स पे करने का? जिस साल एक्सरसाइज किए हो वहां के अंत से 5 साल का समय मिल जाता है, ठीक है। या फिर लेकिन अगर हमने उसके पहले ही बेच दिया तो 5 साल तक इंतजार ही नहीं किया, शेयर बेच दिया तो, अरे शेयर बेच दियो तब तो गवर्नमेंट कहेगी तुरंत टैक्स दो, तब तो तुम्हारे पास पैसा आ ही गया, तब तो तुम कैपिटल गेन भी दोगे और अपना परक्यूजिट वाला टैक्स भी दो। अगर तुमने शेयर बेच लिया तब तो तुम्हारे पास पैसे आ ही गए, ठीक है, तब तो तुमसे जो परक्यूजिट वाला टैक्स है ना वो तुम तुरंत 14 दिन के अंदर अंदर लेंगे, जब बेचे उसके 14 दिन के अंदर हमको टैक्स चाहिए। और बाकी जो कैपिटल गेन आएगा वो तो जब आप ईयर एंड के बाद अपनी रिटर्न फाइल करते हो उसमें आप पे कर देना, ठीक है। तो 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल इन विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज और 14 डेज फ्रॉम सेल और गिफ्ट विच एवर इज अर्लियर। भाई अगर बेचे ही नहीं हो तब ठीक है, एक्सरसाइज जिस साल हुआ है उस साल के अंत से 5 साल तक के अंदर अंदर पे कर देना। लेकिन अगर बीच में ही बेच दिए तो सरकार के लिए अब तो पैसे आ गए यार, अब एक काम करो तुम तुरंत पहले तो 14 दिन के अंदर परक्यूजिट वाला टैक्स दे दो, ठीक है, जो इनकम पहले ही बन चुकी थी बस टैक्स बाकी था वो टैक्स दो तुरंत। और इस साल की तुम्हारी कैपिटल गेन की इनकम भी हो गई है वो जब तुम इस साल का रिटर्न जमा करोगे तो टैक्स इसका भी पे कर देना, ठीक है। दैट मीन्स इफ यू हैव सोल्ड तो यू विल हैव टू पे बोथ द टैक्सेस, परक्यूजिट एज वेल एज कैपिटल गेन, ठीक है। तो ये तो कहानी थी इन जनरल, ठीक है। लेकिन क्या हर समय यही कानून चलता आया है? नहीं, एक्चुअली ईशॉप का थोड़ा थोड़ा कानून ना बीच बीच में चेंज होता गया है। अभी एज ऑन डेट तो यही कानून है, लेकिन अगर आपने शेयर्स पहले इशू किए गए थे, ईशॉप पहले बहुत मिले थे और अब आप उसको सेल कर रहे हो तो शायद ये टैक्सेशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अगर रिसेंटली अभी आपको शेयर मिले और आपने उसका ट्रांसफर किया है तो टैक्सेशन कुछ ऐसा है, बट समय समय पे अलग अलग टैक्सेशन था। तो आइए देख लेते हैं कि अगर आपको ईशॉप के जरिए शेयर्स पहले मिले थे और वो आज आप बेच रहे हैं तो क्या कानून है। तो आपको टिल डेट अभी तक का ईशॉप का कानून देखना होगा। एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान ईशॉप, व्हेन शेयर्स और सिक्योरिटीज आर इशूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाई एम्प्लॉयर कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज देन टैक्स ट्रीटमेंट शैल बी एज अंडर। इफ शेयर्स आर इशूड इन एनी प्रीवियस ईयर अप टू 8-9, प्रीवियस ईयर 8-9 तक अगर आपने शेयर्स इशू हुए थे, इशू मतलब अलॉट हुए थे, ठीक है, बट अदर देन 99-2000, प्रीवियस ईयर 99-2000 ये एक साल का लॉ कुछ और था तो वो अब अलग से बताएंगे, ठीक है। एक्सेप्ट 99-2000 अगर 8-9 तक आपको शेयर्स अलॉट हुए थे तो टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? टैक्स ट्रीटमेंट अंडर द हेड सैलरीज, नथिंग शैल बी टैक्सेबल एज परक्यूजिट। क्या मैं आपके लिए इसी एग्जाम्पल को यूज करते हुए, यहां पे जो एग्जाम्पल मैंने लिया है, क्या इसी एग्जाम्पल के हिसाब से इस पीरियड में अगर शेयर अलॉट हुए थे तो क्या इनकम होगी ऐसे बनाते जाएं? हाँ, ऐसे बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। केस वन, ठीक है, ईशॉप अलॉटेड अप टू कौन सा है, PY 8-9, एक्सेप्ट जस्ट वन ईयर, दैट इज PY 99-2000, ठीक है। तो ऐसे में सैलरी की इनकम कितनी होगी? सैलरी की इनकम होगी निल, उस समय सैलरी की इनकम नहीं होती थी, पहले परक्यूजिट वैल्यूएशन नहीं होता था, पूरा का पूरा क्या होता था, कैपिटल गेन ही होता था। देखिए अब क्या कहता है, टैक्स ट्रीटमेंट अंडर द हेड कैपिटल गेन व्हेन सच एसेट्स आर सोल्ड बाय एम्प्लॉई। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? इफ शेयर्स आर अलॉटेड बिफोर 1-4-2007, इफ शेयर्स आर अलॉटेड बिफोर 1-4-2007, यानी ये बात हो रही है अप टू प्रीवियस ईयर 6-7। एक काम करते हैं हम, इसको अप टू प्रीवियस ईयर 6-7 ही कर देते हैं पहला केस।
अप टू प्रीवियस ईयर 6-7। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दैट इज द प्राइस एट विच शेयर्स आर इशू टू द एम्प्लॉई। जितने रुपए में एम्प्लॉय को शेयर इशू हुए थे वही उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। बड़ी सुंदर बात। कैपिटल गेन की इनकम कैसे निकलेगी? सेल कंसिडरेशन कितना? सेल कंसिडरेशन कितना, मेरे एग्जाम्पल में सेल कंसिडरेशन कितना 900 और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 रुपया। सेल कंसिडरेशन 900, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है 10 रुपया। ऐसे निकलेगा कैपिटल गेन। ठीक है, इंडेक्सेशन होगा कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं, ये सब तो बताया ही हुआ है आपको। पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पे देख लेना, वो डेट ऑफ अलॉटमेंट से जिस दिन सेल हुआ है उस दिन तक का देखा जाता है। तो ये कहानी है, मतलब पहले इस सैलरी की इनकम देखिए। आज भी देखिए डिफरेंस वही है, आज भी इनकम कितनी है देखो, आपकी इनकम 540 रुपये पर शेयर की इनकम बता रहे हैं, ठीक है, इंटू 100 तो होगा ही, ठीक है, इंटू 100 तो होगा ही। हम 100 नंबर ऑफ शेयर्स पे बात नहीं करते हैं, एक बार के लिए ना इसको इग्नोर कर दो, नहीं तो बार बार कन्फ्यूजन होगा। 900 में से 10 गया 890 रुपया, यही ना इनकम है। आइए मैं आपको बताऊं, यहाँ भी इनकम उतनी ही हो रही है 890 ही। 540 रुपये इनकम यहाँ हुई और यहाँ पे कितनी हो गई, 900 माइनस 550, 350 रुपये इनकम यहाँ हो गई। 350 और 540 कितना होता है, 890 रुपया। 890 रुपया यहां भी आ रहा है। अब पहले जब 6-7 तक क्या कानून था कि भाई परक्यूजिट की वैल्यूएशन नहीं होती थी, जब आप बेचते थे तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन हो जाता था। अंडरस्टूड? इफ शेयर्स आर अलॉटेड ऑन और आफ्टर 1/4/2007 बट बिफोर 1/4/2009, यानी ये कानून सिर्फ और सिर्फ 2 सालों के लिए था, 7-8 और प्रीवियस ईयर 8-9, सिर्फ ये 2 सालों के लिए कानून था। ठीक है, अब हम यहां केस 2 लिखते हैं। केस 2, इशॉप अलॉटेड इन PY 7/8 एंड 8/9। ठीक है, सैलरी की इनकम यहां भी निल थी। एक्चुअली इन 2 साल में क्या हुआ था मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, ज्यादा दिमाग दिमाग पे जोर मत दीजिएगा। ठीक है, इस समय एक कानून लाया गया था इनकम टैक्स में जिसका नाम था फ्रिंज बेनिफिट। क्या नाम था कानून का? फ्रिंज बेनिफिट था। ठीक है, और ये फ्रिंज बेनिफिट का टैक्स इंप्लॉयर को देना होता था, इंप्लॉय को नहीं। अगर इंप्लॉयर इंप्लॉय को कोई भी बेनिफिट देता है, ठीक है, इंप्लॉयर इंप्लॉय को कोई भी बेनिफिट देता है विच इज गिवन टू मोर देन वन इंप्लॉय, अगर एक इंप्लॉय को देता है तब तो उसके हाथ में परक्यूजिट है, लेकिन एक से अधिक इंप्लॉय को क्यूमुलेटिवली कई इंप्लॉय को देता है तो वो फ्रिंज बेनिफिट कहलाता था। और फ्रिंज बेनिफिट पे एक टैक्स लगता था, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, शॉर्ट में बोलते थे FBT। अब आप कहेंगे सर ये सब क्यों पढ़ना पड़ रहा है, बताना पड़ेगा, नहीं तो आप कहोगे ये 2 साल का कानून क्यों अलग से बना हुआ है। तो एक्चुअली उस समय क्या हुआ था, सैलरी की इनकम तो लिन थी लेकिन इंप्लॉयर ने, इंप्लॉयर पेड FBT ऑन फ्रिंज बेनिफिट, इंप्लॉय ने फ्रिंज बेनिफिट टैक्स दे दिया था, FBT दे दिया था ऑन फ्रिंज बेनिफिट। ठीक है, द वैल्यू ऑफ सच शेयर्स ऑन द डेट ऑन विच द ऑप्शन वेस्ट विद द इंप्लॉय, दैट इज द वैल्यू एट विच हैज बीन टेकन व्हाइल कंप्यूटिंग द फ्रिंज बेनिफिट। कॉस्ट कह रहा है कि जो वेस्टिंग के दिन प्राइस है वो ली जाएगी। अब क्यों, क्या मतलब है इसका, क्यों ऐसा है? एक्चुअली फ्रिंज बेनिफिट क्या था, प्राइस ऑन वेस्टिंग माइनस ऑप्शन प्राइस। प्राइस ऑन वेस्टिंग कितना है हमारे एग्जाम्पल में, प्राइस वेस्टिंग वाले दिन है प्राइस 400 रुपया, तो 400 रुपया माइनस 10 रुपया, 390 रुपया था फ्रिंज बेनिफिट। कुछ समझ में आ रहा है आपको, नहीं ना? सुनो फिर से, साल 2007-08 में और साल 2008-09 में, ठीक है, उस समय कानून चल रहा था, एक नया कानून आया था फ्रिंज बेनिफिट नाम का। ठीक है, और ये फ्रिंज बेनिफिट क्या था,
कि इंप्लॉयर इंप्लॉय को जो बेनिफिट देता था ना उस पर इंप्लॉय को नहीं इंप्लॉयर को टैक्स देना होगा। आज की तारीख में तो इंप्लॉयर इंप्लॉय को कुछ भी दे दे वो परक्यूजेट है, इंप्लॉय को टैक्स देना है। लेकिन उस समय कानून थोड़ा सा बदला गया था, मोटा मोटी कानून ये था, समझिए मत क्योंकि आपको जरूरत नहीं उस समय का कानून समझने की। उस समय मोटा मोटी कानून ये था कि अगर इंडिविजुअल बेनिफिट है किसी भी इंप्लॉय को तब तो परक्यूजेट है, उसके हाथ में टैक्सेबल है, लेकिन क्यूमुलेटिव बेनिफिट है सभी इंप्लॉय को बेनिफिट है तो दैट वुड बी कॉल्ड एज फ्रिंज बेनिफिट और इंप्लॉयर उस पर टैक्स देगा। और वो इनकम एक इनकम टैक्स का ही टैक्स था, FBT फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, ऑल टुगेदर एक डिफरेंट टैक्स। कंपनी अपनी इनकम पे जो टैक्स देती है वो देगी, इंप्लॉय अपनी इनकम पे जो टैक्स देता है वो देगा, लेकिन इंप्लॉयर एक अलग से टैक्स देगा फ्रिंज बेनिफिट पे, दैट वुड बी कॉल्ड एज फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, FBT। ठीक है, अब उससे FBT कितने पे लिया जाता था? वेस्टिंग के दिन जो प्राइस होता था उसमें से माइनस कराया जाता था ऑप्शन की प्राइस। ठीक है, जिस दिन इंप्लॉय के पास अधिकार आता था उस दिन की प्राइस पकड़ लिया जाता था। कहा जाता 390 रुपए का तुमने बेनिफिट दिया है और 390 रुपए पे टैक्स किससे ले लिया गया? इंप्लॉय से ले लिया गया। तो इंप्लॉय के हाथ में कैपिटल गेन कैसे निकलता था? फिर इंप्लॉय के हाथ में कैपिटल गेन कैसे निकलता था भाई? 400 रुपए तक पे तो टैक्स हो ही चुका है, तो सेल कंसिडरेशन ली जाती थी भाई जितने में वो बेचा 900, और उसमें से कॉस्ट घटाई जाती थी 400 रुपया। क्यों? क्योंकि 400 माइनस 10 390 पे तो ऑलरेडी किससे टैक्स लिया गया? एम्प्लॉयर से, और ये टैक्स इनकम आ जाती 300 रुपया। आ रही बात समझ में सबको? अब देखिए, क्या मोटा मोटी सरकार को वापस से 500 रुपया, क्या सरकार को उतना ही टैक्स मिल गया? अभी भी उतनी ही इनकम सरकार के लिए हो गई। हाँ सरकार देखिए 500 रुपया पे टैक्स किससे ले लेगी? इंप्लॉय से ले लेगी, और 390 रुपया पे इंप्लॉय से ले ही चुकी है तो हो गया 890 रुपया पे। 890 रुपये पे तो टैक्स ये, यहाँ भी 890 रुपया पे टैक्स मिल रहा है, हर जगह 890 रुपये पे मिल रहा है, तरीका अलग अलग था। अब मुझे क्यों याद करने की आवश्यकता पड़ रही है? बेटा याद करने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि ईशॉप कब अलॉट किया था हमको थोड़ी ना मालूम है, बेच आज रहे हैं तो टैक्स कैसे लगेगा? ईशॉप अलॉट कब हुआ था उसके हिसाब से, आप बेच कब रहे हो उसके हिसाब से टैक्सेशन में लॉ थोड़ी ना बनाया गया। ईशॉप का शेयर अलॉट कब हुआ था उसके हिसाब से कानून है, तो बेच तो हम रहे हैं प्रीवियस ईयर 23-24 में, लेकिन वो अलॉट कब हुआ था उसके हिसाब से कानून है, तो आपको याद रखना पड़ेगा प्रीवियस ईयर 6-7 में एक्सेप्ट 99-2000 में क्या होगा। अगर ईशॉप 7-8 में और 8-9 में अलॉट हुआ था तब क्या होगा? पंगा है ना। आइए देखिए अब आगे, अब उसके बाद कह रहा है कि आपने उसे ट्रांसफर किया है बाई वे ऑफ गिफ्ट और इरेवोकेबल ट्रस्ट। इरेवोकेबल ट्रस्ट भी हम बताते हैं कि गिफ्ट ही होता है। रेवोकेबल ट्रस्ट का मतलब होता है जिसमें हम कुछ देंगे वापस आ जाएगा, रिवोक बैक करेगा। इरेवोकेबल का मतलब होता है वापस कभी नहीं आएगा, आप बस सीधे समझ लीजिए गिफ्ट। अगर गिफ्ट किए हो तो सेल कंसिडरेशन क्या होता है? जिस दिन गिफ्ट किए उस दिन की मार्केट वैल्यू, ये आपको पता है इसलिए मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, उस दिन की मार्केट वैल्यू। बाकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए वही कहानी है जो यहां बोल रहा है, द सेम कहानी। तो यानी गिफ्ट के केस में या फिर आपने सचमुच ट्रांसफर किया, दोनों केस में टैक्सेशन एक ही है। अब आता है नया वाला लेटेस्ट कानून जो इस समय चल रहा है। 1999-2000 में भी वही कानून था और वही कानून वापस 1/4/2009 से आ गया। ठीक है, तो अब हम केस 3 बनाते हैं। केस 3, ईशॉप अलॉटेड इन PY 99/2000 and PY 2009-10 and onwards जो लेटेस्ट कानून है, और लेटेस्ट कानून आप पहले ही देख लिए हो। ठीक है, लेटेस्ट कानून में अब इसमें क्या होगा? सैलरी की इनकम कितनी? सैलरी की इनकम देख लीजिए, जो हमने ये चार्ट बनाया था, सैलरी की इनकम 540, सैलरी की इनकम 540 कैसे निकलेगा? 550 एक्सरसाइज वाले दिन का प्राइस माइनस इशू प्राइस, शेयर 10 में इशू हुआ 540। फिर उसके बाद कैपिटल गेन कितना होगा? 900 रुपया सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 550, 350। मतलब जो आपको चार्ट में बना के दिखाए थे पहले ही, हम तो आज का ही कानून से शुरू ही किए थे ना, सेम थिंग। ठीक है,
चलिए पढ़ा देते हैं ये भी लाइन आपको। टैक्स ट्रीटमेंट अंडर द हेड सैलरीज डिफरेंस बिटवीन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन एंड द कॉस्ट एट विच इट इज ऑफर्ड टू द एम्प्लॉइज ट्रीटेड एज टैक्सेबल परक्यूसिट। अब कैपिटल गेन की बात कर लेते हैं। सेल कंसिडरेशन एज यूजुअल जितना में बिका है, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, एक्सरसाइज वाले दिन की FMV, ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। अगर आपने गिफ्ट कर दिया है तो सेम चीज़ रिपीट कर रहा है, गिफ्ट कर दिए तो सेम चीज़ रिपीट कर रहा है। सेल कंसिडरेशन हो जाएगा गिफ्ट वाले दिन की मार्केट वैल्यू, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही जो यहाँ पर लिखा है, ठीक है। परक्यूजिट कब टैक्सेबल होता है याद रहेगा आपको, परक्यूजिट कब टैक्सेबल होता है, परक्यूजिट टैक्सेबल होता है इन द ईयर ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। टैक्स पोस्टपोनमेंट की जो एक टैक्स पोस्टपोनमेंट होता है 5 सालों के लिए, लेकिन सिर्फ स्टार्टअप के केस में होता है, और लेकिन अगर बेच दियो तब तो तुरंत टैक्स देना ही पड़ेगा, ठीक है। और रही बात कैपिटल गेन की, तो कैपिटल गेन जैसे ही आप बेचेंगे वैसे ही कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। आइए एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करते हैं और आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देते हैं। इलस्ट्रेशन 40, टी लिमिटेड ग्रांट्स ऑप्शन टू इट्स एम्प्लॉय रजत ऑन 1 अप्रैल 2019। तो पहले देखो कि कौन सा वाला कानून लगेगा, केस वन केस टू केस थ्री कौन सा वाला लगेगा, ये केस थ्री लगेगा, 2009 के बाद वाली कहानी है। चलो बहुत सुंदर है, नई वाली कहानी है, ठीक है ना। एक्सरसाइज प्राइस माइनस इशू प्राइस होता है सैलरी की इनकम, और फिर सेल कंसिडरेशन माइनस एक्सरसाइज वाली प्राइस क्या हो जाता है, कैपिटल गेन। टू अप्लाई फॉर 100 शेयर्स ऑफ द कंपनी फॉर मेकिंग अवेलेबल राइट इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टू द एम्प्लॉयर कंपनी एट अ प्री डिटरमिन प्राइस ऑफ 150 पर शेयर, 100 शेयर एट द रेट ऑफ 150, ये इशू प्राइस हो गया, ये इशू प्राइस है, ठीक है। नंबर ऑफ इशॉप कितना है, 100, विथ ड्यू ऑफ वेस्टिंग ऑफ द ऑप्शन ऑन 1 अप्रैल 2021, ये डेट ऑफ वेस्टिंग हो गया, दिस इज डेट ऑफ वेस्टिंग 1 अप्रैल 2021। तो नीचे 1 अप्रैल 2021 लिखा है ना, यहीं पे लिख लो डेट ऑफ वेस्टिंग, फिर एंड द एक्सरसाइज पीरियड बीइंग अप्रैल 21 से लेके मार्च 31, 24, एक्सरसाइज पीरियड दे रहा है 21 से लेके 24, तीन तीन साल एक्सरसाइज के लिए दे रहा है, हद्दी कर दिया ये तो बहुत, ठीक है। तो रजत एक्सरसाइजेज ऑप्शन ऑन 31 मई 23, 3 साल दिया है खरीदने के लिए। तो मैंने, मेरा जो एग्जांपल था उसमें हम 6 महीना लिए थे खरीदने के लिए, और वैसे भी 6 महीना 3 महीना 6 महीना 12 महीना इतना ही समय दिया भी जाता है खरीदने के लिए, 3-3 साल कहाँ होता है समय, लेकिन चलिए ठीक है एग्जाम्पल में जो भी दे दिया। 31 मई 2023 को उसने ऑप्शन एक्सरसाइज किया खरीदने का, यानी एक्सरसाइज का दिन है ये एक्सरसाइज प्राइस है, एक्सरसाइज एंड शेयर्स अलॉटेड ऑब्लिक ट्रांसफर टू हिम ऑन दिस, ये अलॉटमेंट का दिन है, ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन सच डेट, सभी डेट पे वो फेयर मार्केट वैल्यू बता रहा है कंपनी का, ठीक है। आपको कौन से फेयर मार्केट वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, हमको तो सिर्फ ये 1250 की जरूरत पड़ेगी, हाईलाइट कर दे ये 1250 और इश्यू प्राइस 150, ठीक है, इतने की अभी जरूरत पड़ेगी हमको। 31/12/23 को रजत ने 25 शेयर गिफ्ट कर दिए अपने ब्रदर को, बाकी बेच दिए मार्केट में 2180 में। तो भाई 25 गिफ्ट किए यानी 75 क्या किया होगा, वो 75 बेचा होगा, 25 गिफ्ट किया या 75 बेचा, सबका टैक्सेशन एक ही जैसा होगा, 2180 रुपया में सेल ही माना जाएगा, ठीक है। ये हो गई सेल वाला प्राइस, ये हो गया सेल कंसिडरेशन, और सेल का ये हो गया डेट ऑफ सेल, ये है डेट ऑफ सेल, ठीक है। 25 गिफ्ट किया है उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको नहीं फोकस करने की जरूरत है, 25 गिफ्ट किया है, 25 गिफ्ट किया, 75 बेचा है, पूरा 100 बेचा, मतलब गिफ्ट करो चाहे बेचो, ठीक है, शेयर ट्रांसफर मान लिया जाता है, ईसॉप वाला शेयर ट्रांसफर मान लिया जाता है। कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इफ एनी एंड कैपिटल गेन फॉर रजत असेसमेंट ईयर 24-25। अच्छा जल्दी जल्दी बताइए, परक्यूजिट की वैल्यू इनकम किस दिन आएगी, कब आएगी, अलॉटमेंट वाले ईयर में, अलॉटमेंट कब हुआ है, 13/6/23, यानी ये प्रीवियस ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर 23/24, प्रीवियस ईयर 23/24 में परक्यूजिट की इनकम आएगी, प्रीवियस ईयर 23/24 यानी असेसमेंट ईयर 24/25 में परक्यूजिट आएगी, देखिए ये लिखा है परक्यूजिट फॉर 24/25 असेसमेंट ईयर है। कैसे निकलेगा परक्यूजिट की वैल्यू क्या होगी, एक्सरसाइज प्राइस में से
इशू प्राइस घटाना है, एक्सरसाइज प्राइस से इशू प्राइस घटाना है। एक्सरसाइज प्राइस 1250, इशू प्राइस 150 इंटू 100 इंटू 100 इसमें भी किए, हो गया पर क्यूसिट वैल्यूएशन। चलिए अब उसके बाद बताइए कैपिटल गेन कब आएगा, जब आपने ट्रांसफर किया है। ट्रांसफर कब किया है, 31/12/23। 31/12/23 का मतलब हो गया प्रीवियस ईयर, 31/12/23 मतलब प्रीवियस ईयर 23/24, ठीक है, प्रीवियस ईयर 23/24। अच्छा, अलॉटमेंट वाले ईयर में टैक्सेबल होता है क्या 5 साल की पोस्टपोनमेंट भी मिलती है? हाँ, पोस्टपोनमेंट मिलती है, लेकिन इस क्वेश्चन में बता नहीं रहा था स्टार्टअप स्टार्टअप है कि नहीं है। नहीं है तो पोस्टपोनमेंट तो वैसे भी नहीं होती, लेकिन यहां पे तो अगर स्टार्टअप होता तो भी टैक्स देना पड़ता पर क्यूजेट पे, ठीक है, क्यों? ठीक है, यहां पे इनकम तो इसी साल की बनेगी और टैक्स भी इसी साल देना पड़ेगा क्योंकि शेयर सेल हो गए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर ये स्टार्टअप होता तो टैक्स पोस्टपोन होता कि इनकम पोस्टपोन हो जाता? टैक्स पोस्टपोन होता, इनकम तो वैसे भी इसी साल की होती, इनकम तो स्टिल 23/24 की होती, टैक्स पोस्टपोन हो जाता बस, राइट। लेकिन यार टैक्स भी पोस्टपोन नहीं होगा क्योंकि शेयर बिक गए तो पैसा आ गया, टैक्स दीजिए। तो प्रीवियस ईयर 23/24 में कैपिटल गेन आएगा, यानी असेसमेंट ईयर 24/25 में ही, देखिए कैपिटल गेन असेसमेंट ईयर 24/25 में निकाल रहे हैं। कितने में बेचे, 2180, 100 × 2180 करो, 100 × 2180, क्यों? इस 100 के अंदर 75 और 25 है, 75 जो बेचे हो, 25 जो गिफ्ट की हो, दोनों ही कैपिटल गेन दोनों पे ही निकलेगा। और इसमें से माइनस कौन सी प्राइस करोगे, वो जो जिससे परक्यूसिट बना था, ठीक है, 1250 तक परक्यूसिट लिए थे तो 1250 के आगे बढ़ जाते हैं हम, कैपिटल गेन के लिए यही तो होता है। तो 1250 × 100 ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो 218000 माइनस 125000, 93000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा, जल्दी से, पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से ली जाएगी जल्दी बताओ, पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग अलॉटमेंट वाली डेट से लेके, अलॉटमेंट वाली डेट से लेके जल्दी बताइए सेल वाली डेट तक, ठीक है। अलॉटमेंट किस दिन का है, 13/6/23, 13/6/23। सेल कौन सी डेट को है, सेल 31/12/23, 31/12/23, ठीक है। तो भाई 12 महीने से नीचे तक तो दुनिया जहान की हर एसेट ही शॉर्ट टर्म है, हम तो बात भी नहीं करेंगे ये कौन सी है क्या है, 12 महीने से कम है, लेस देन 12 मंथ है, सब कुछ शॉर्ट टर्म होगा, चाहे कोई भी कैपिटल एसेट हो शॉर्ट टर्म ही होगी, ठीक है। तो आई होप आपको मजा तो आया होगा, छोटा सा प्रोविजन था लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल था, बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता थी और मोस्ट इजीएस्ट मैनर में मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन किया, पूरा डायग्राम की तरह बना के समझाया है, एक एक केस को अलग अलग प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल के फॉर्म में आपको बना बना के यहाँ पे दिखाया है कि किस तरीके से कैलकुलेशन होगी। और इस वाले साल में केस टू में तो एकदम यूनिक बात आपको बताई भी कि क्यों 2 साल का टैक्सेशन डिफरेंट था, बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ FBT इन दोज 2 ईयर्स, राइट। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।